राष्ट्र विरोधी एक संप्रदाय को बताने का काम किया है मुस्लिम जाति ने, मुस्लिम संप्रदाय के लिए। और ये पहली घटना नहीं है, लगातार कई बार मुसलमानों का मतदान का अधिकार छीन लो, नागरिकता छीन लो। माननीय सदस्य जो बीजेपी से आते हैं वो वाद विवाद में अपनी बातों को रख रहे थे, उसमें एक आपत्तिजनक बातें उन्होंने कही कि राष्ट्र विरोधी एक संप्रदाय को बताने का काम किया है मुस्लिम जाति के लोग, मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को। और ये पहली घटना नहीं है, लगातार कई बार मुसलमानों का मतदान का अधिकार छीन लो, नागरिकता छीन लो, इस तरह की भाषा बोली जा रही है सरकार की तरफ से। और ये हमको लगता है कि ये आरएसएस का एजेंडा यहाँ लागू करना चाहता है। देश में जब नहीं लागू होने दिए तो बिहार में लागू होने देंगे। राष्ट्रीय जनता दल और वामपंथी के रहते हुए ये एजेंडा लागू होगा? नहीं होने देंगे, कतई संभव नहीं है। और हमने शुरू में उठ कर खड़े होकर मैंने कहा, सभापति उस समय थे नरेंद्र नारायण यादव जी, मैंने आपत्ति दर्ज कराने का काम किया और मैंने कहा कि प्रोसीडिंग से निकाला जाए और माननीय सदस्य खेद प्रकट कराया जाए। वो बात बढ़ गई और वो खेद भी प्रकट नहीं किए और एक संप्रदाय के खिलाफ में हमेशा विश्वमन करने का काम करते वो लोग जो अंग्रेजों के दलाल थे, वो लोग जो अंग्रेजों का तलवा चाटने का काम करते थे, आज वो माफी मांगते थे अंग्रेजों से, आज वो राज कर रहे हैं और देश पर एक संप्रदाय के खिलाफ में बीस बमन करने का काम करते हैं। इसलिए हम सभी विपक्ष के लोग, हम सदन का बहिष्कार किए हैं और जनता के हाथों में, और जनता देख रही है कि किस तरह से आरएसएस के लोग एक संप्रदाय के खिलाफ में गलत बयानी कर रहे हैं और आरएसएस के लोग मामला ये है कि इस विषय पर पहले बात कर लीजिए। सवाल ये पैदा होता है, तृतीय अनुपूरक बजट पर वाद विवाद के क्रम में भाजपा के एक विधायक ने अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर बहुत ही घिनौनी टिप्पणी की है और कहा है कि अल्पसंख्यक जो देश विरोधी हैं, इसी तरह के शब्द उन्होंने कह करके अल्पसंख्यकों को न सिर्फ प्रताड़ित किया है, न खौफ में डालने की बात की है, न सिर्फ नफरत फैलाया है, बल्कि संविधान विरुद्ध बात करके एक संविधानिक संस्था में हमारी मर्यादा को तार तार किया है। इसलिए सारे लोगों ने मिलकर इसका विरोध किया है, हम मुबारकबाद देते हैं। अल्पसंख्यक भय में है, नफरत के जरिए से अल्पसंख्यकों की मॉब लिंचिंग हो रही है और इसी किस्म के भाषा के प्रयोग से, इसी किस्म के उकसाए बयान से अल्पसंख्यक कहीं ना कहीं से खौफ की ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो गया है। इसलिए हम लोगों ने सदन में इसकी गुजारिश की कि साहब यह सदन नियमावली कुछ भी है वो संविधान के अधीन है, संविधान के अधीन जो नियमावली है उसमें कहीं से गुंजाइश नहीं है कि किसी समुदाय को आप टारगेट करके बात करें। अगर गॉडसे ने गांधी का कत्ल कर भी दिया था तो हम गॉडसे को कह सकते हैं, किसी समुदाय को नहीं कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर कहा जा रहा है और सरकार ये कह रही है कि हाँ देख लिया जाए कार्रवाई, लेकिन सदन से देखा नहीं जा रहा है। समझ में बात नहीं आ रही है कि अल्पसंख्यकों को लोग इस तरह क्यों सता रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं। लगता है कि अल्पसंख्यकों के नाम पर ही कब्रिस्तान, श्मशान, गाय, टोपी, बुरका, हिजाब, मुसलमान, नागरिकता, वोट का राइट, इसी पर पूरी राजनीति कर रही है बीजेपी। देश को तोड़ो और राज करो, ये तो अंग्रेजों की चाल थी, देशवासियों की भी चाल चलन और चेहरा इस तरह का हो जाएगा ये आशा हम लोगों को नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने